अस्सलामुअलैकुम। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के यानी मोबाइल के स्क्रीन को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा आपको मैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका डिवाइस रूट है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप नॉर्मली आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं दो मेथड इस्तेमाल करता हूँ। एक जो जैसे मैं अभी जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है ओप्पो A5 2020। इसके अंदर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो मैं उससे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँगा कि अगर ये आपके पास में नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है आपके फ़ोन में, तो आप कैसे स्क्रीन को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। जी हाँ, आपको सर्च करना है एक्स रिकॉर्डर। क्या सर्च करना है? एक्स रिकॉर्डर। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्स रिकॉर्डर जो है आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करना है आपको बेसिकली। तो आपको सिंपली इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से अगर ओके पूछता है तो आप ओके बटन प्रेस कर दीजिए। अगर यानी कि अगर आप इसके अंदर में प्ले स्टोर में कुछ सेटिंग के साथ में छेड़खानी कर रखे हैं, तो इस तरीके से आपसे जो है पूछेगा। बट जो भी हो, आप इस तरीके से यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल होने के बाद में यानी डाउनलोड, मैंने जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक किया, डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। अभी ये इंस्टॉलिंग जो है वो शुरू हो चुका है, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको करना क्या होगा, बेसिकली आपको एप्लीकेशन को जो है ओपन करना होगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी आपको करना क्या है, सिंपली ओपन पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आप ओपन बटन पे आप क्लिक कीजिए। ओपन यहाँ से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली प्ले स्टोर में जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन में जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद में आप यहाँ पर आकर के यहाँ पर जैसे आप नीचे आइएगा, यानी आप स्क्रॉल अप कीजिएगा, मेन्यू के अंदर में जाने के लिए जैसे आप मेन मेन्यू में जा करके यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा एक्स रिकॉर्डर। सिंपली आप एक्स रिकॉर्डर को जो है ओपन कर लीजिए। इस तरीके से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली आप सर्च कीजिए, सर्च फॉर लोकल ऐप्स। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च करना है एक्स रिकॉर्डर। सिंपली आपको ये एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा तो इसके अंदर में ऐड जो है वो शो होते हैं। अगर ऐड आपको नहीं चाहिए तो आप इसके लिए पे कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो ऐड शो हो रहा है होने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ऐड शो हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाहिर सी बात है जो डेवलपर है वो तो ज़रूर कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहेंगे, तो उनका अर्निंग सोर्स जो है वो ऐड है। तो इसलिए आप इसको रहने दीजिए, यानी आप ऐड जो है चलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐड जो है ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप इसको खरीद सकते हैं, बट मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। आपको अलाउ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, सिंपली इसके अंदर में आपको एक्स रिकॉर्डर को जो है इसे ऑन कर देना होगा। जैसे आप इसको ऑन कर दीजिएगा, जैसे आपने इसके ऊपर में क्लिक किया, ये एक्स रिकॉर्डर जो है वो ऑन हो चुका है, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स। सिंपली आप बैक बटन प्रेस कर लीजिए और बैक आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, वो इसके बारे में बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, द नोटिफिकेशन पैनल इज़ आल्सो अवेलेबल टू कंट्रोल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को जो है आप नोटिफिकेशन पैनल जो होता है उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप और आपको एक बटन मिलेगा आपके स्क्रीन पर, उसके ऊपर में क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, टूल्स को मैनेज कर सकते हैं, होम स्क्रीन पर जा सकते हैं, सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता रहा है आपको। सिंपली आप ओके बटन पर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर जो है बेसिकली अलाउ के लिए पूछेगा, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। जो भी मीडियाज़ वगैरह है उसके एक्सेस इसको चाहिए। जैसे आप ये जैसे एक्स रिकॉर्डर ऑन करके इसको अलाउ कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये एक वीडियो का जो सिंबल नज़र आ रहा है। सिंपली आप इस ऊपर में क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर सेटिंग में जाना तो सेटिंग के साथ में इसके सेटिंग के साथ में आप जो भी छेड़खानी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक रिकॉर्ड करके मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूँगा। सिंपली मैंने बीच वाला बटन प्रेस किया, और आपको सिंपली इसके ऊपर में क्लिक करके यानी जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, सिंपली आप आइकन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ रिकॉर्डिंग पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्डिंग करना जो है ये स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर अलाउ एक्स रिकॉर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो, आप सिंपली अलाउ पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड कीजिएगा तो ये एक्स रिकॉर्डर जो है वो उसको मॉनिटर नहीं करता है, या फिर डेटा को जो है कलेक्ट नहीं करता है। जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी भी चीज़ को आपने रिकॉर्ड किया है, तो एक्स रिकॉर्डर जो है वो उसको मॉनिटर नहीं करता, या फिर कलेक्ट नहीं करता, या फिर शेयर नहीं करता किसी के साथ में। सिंपली आपको ओके करना है, और उसके बाद में आपका रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट क्लिक पूछेगा, तो स्टार्ट नाउ पे आप जस्ट क्लिक कीजिए, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको जो है सेकंड्स जो है वो शुरू हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है देख लीजिए आपको नज़र आने लगेगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको स्टॉप कर दूँगा, और मैं एक बार इसको प्ले करके देखूँगा। आपको जो है सेकंड्स जो है वो शुरू हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है देख लीजिए आपको नज़र आने लगेगा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से जो है मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूँ और आप भी कैसे अपने मोबाइल के स्क्रीन को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो, तो आप सिंपली मुझे क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप मुझे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आपको जो व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सोशल नेटवर्क पर मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो आप हर एक सोशल नेटवर्क पर सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ जाइए और इसी तरीके की टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स पाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।